हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंथ स्टडी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के वालों के लिए, ठीक है, कि इसमें अंतर्गत जो है जनरल फिटनेस क्या होना चाहिए, विजुअल एक्यूटी, आपका टेस्ट क्या इंक्लूड होता है और आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो देखो RRB ग्रुप डी का जो है मोस्ट ऑफ द DV हो चुका है, बहुत मेडिकल भी हो चुका है और बहुत लोगों का बाकी भी है। तो जिनका हो भी गया है वो भी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काम आएगा, जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए भी, और फ्यूचर में जिनका होने वाला है या कभी होगा या अगले साल होगा उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसमें जो काफ़ी सारे स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि A2 है, फिर B1 है और C2 है, C3 है, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, तो सारे स्टैंडर्ड जो हैं वो नापे जाते हैं तुम्हारे कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो किसी टेस्ट में। ठीक है, तो जैसे कि A2 में उसी के हिसाब से तुम्हें स्टैंडर्ड दिया जाता है। वैसे टेस्ट तुम्हारे सारे किए जाते हैं जिनमें तुम पास होते हो। अगर मान लो 10 टेस्ट करते हैं, इन 4 में पास हुए तो तुम्हें A2 मिल गया, कोई 3 में पास हुए तो तुमको B2 मिल गया, इस तरह से करके डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम आज जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो A2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम बताएंगे आपको कौन सा पोस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपके साथ जो भी दिक्कत वगैरह होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, हर पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, लेकिन आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। अब बहुत लोगों को क्या हो रहा है कि 1 महीना तक टाल दे रहे हैं कि 1 महीना बाद आना मेडिकल के लिए। ठीक है, तो अब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि उनके साथ क्या होगा, नहीं होगा वगैरह वगैरह चीज़। ठीक है ना, तो उनके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखो सबसे बड़ा कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वहाँ पे यहाँ A2 दिया हुआ है। अब जनरल फिटनेस जो है वो फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में, कोई भी एस्पेक्ट में वो मतलब अनफिट नहीं आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है लेकिन अनफिट नहीं आना चाहिए उसको। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या होना चाहिए। विजुअल एक्यूटी का मतलब क्या होता है, तो तुम्हारे देखने की क्षमता, तुम्हारी आंखों की जो क्षमता है वो कितनी है, तो ये यहाँ पर डिसाइड करता है। तो देखो दो तरीके से नाते हैं, डिस्टेंट विजन और नियर विजन। ठीक है, तो एक तो होता है दूर देखने की क्षमता कितनी तक होनी चाहिए और नज़दीक देखने की क्षमता कितनी तक होनी चाहिए। तो देखो डिस्टेंट विजन जो है वो 6x9 तक है। ठीक है, 6x9 तक होना चाहिए तुम्हारा, यानी कि तुमको 6 मीटर तक बैठाते हैं और ये जो 9 दिया जाएगा तुमको, ये रो 9 होता है यहाँ पे। मतलब एक वीडियो मैंने बताया है स्नेलन टेस्ट के बारे में, ठीक है, वो कैसे किया जाता है, तो वो वीडियो अगर तुमको ज़्यादा अच्छा समझना है तो वो वीडियो देख लेना, नहीं तो अभी ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आएंगी कि 6x9 क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6x9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, यानी आपका ग्लास नहीं होना चाहिए। अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं तो फिर आपको ये जो असिस्टेंट पोस्ट क्या है पॉइंट्समैन है, ये आपको पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिना ग्लासेस वालों के लिए ये बात है। 6x9 तक आपका जो है डिस्टेंट विजन होना चाहिए और नो फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, फॉगिंग टेस्ट यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब नियर विजन देखो, अब जो नज़दीक देखने की क्षमता, तो उस स्नेलन टेस्ट में 0.6 आना चाहिए। ठीक है, वो भी विदाउट ग्लासेस। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा ये है कि आपको ग्लास तो पहनना ही नहीं है, मतलब ग्लास वालों को ये असिस्टेंट पोस्टमैन मिलेगा नहीं। ठीक है, नो ग्लास। ठीक है, नो ग्लास। ठीक है, यहाँ पे ग्लासेस वालों को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये A2 के बारे में बता दिया कि A2 किन को मिलेगा। तो बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर A2 मिलता है, क्या होता है, किस तरह के स्टैंडर्ड है, क्या है, नहीं है। ठीक है, बल्कि इसके बारे में जो है खुद रेलवे ने एक डॉक्यूमेंट निकाल रखा था, PDF निकाल रखा था, वहीं से ये इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने खुद अपने से डाला हुआ है। ठीक है, उसको पढ़ के ही हमने यहाँ वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे उन डॉक्यूमेंट को और बहुतों को तो पता भी नहीं है उस डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं आपको असिस्टेंट पॉइंट्स में तब मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, और इस तरह का और भी मेडिकल स्टैंडर्ड बताने वाले हैं हम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपको लगता है कि ये वीडियो बाकियों को भी हेल्प करेगा तो इसको प्लीज़ शेयर कर दें। ठीक है, और बोले दोस्तों को कि ये वीडियो देख के मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम अगला मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।